फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो में डिफेंस सेक्टर का एक मिड कैप स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी फंडामेंटल एंड टेक्निकली काफी स्ट्रांग है। देखिए, दुनिया में वन ऑफ द लीडिंग एक्सप्लोसिव का मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी। ओके, और इंडिया का फर्स्ट कंपनी है जो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए बूस्टर सप्लाई करता है। और जिन ब्रह्मोस मिसाइल को ये कंपनी बूस्टर सप्लाई करता है वो मीडियम रेंज मिसाइल है, जिन्हें सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड से भी फायर किया जा सकता है। उसके अलावा इंडियन आर्मी ने 6 पिना का रॉकेट को टेस्ट फायर किया था और इन रॉकेट्स को इसी मिडकैप कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया था। और ये भी इंडिया में पहली बार हो रहा है जहां पर इंडियन आर्मी ने पहली बार किसी इंडियन प्राइवेट डिफेंस कंपनी का रॉकेट्स फायर किया और यह यूटिलाइज किया है। और ऐसे भी नहीं है कि दिस कंपनी डिफेंस सेक्टर में बहुत ही पहले से बिजनेस कर रहा है। कंपनी ने ऑनली 2010 में डिफेंस सेक्टर में कदम रखा था और डिफेंस सेक्टर में एस्टेब्लिश होने के लिए 10 से 15 साल का टाइम पीरियड बहुत ही छोटा टाइम पीरियड होता है। और इसी छोटा टाइम पीरियड में यह कंपनी ने ऑलरेडी इंडियन आर्मी को रॉकेट भी सप्लाई किया और ब्रह्मोस मिसाइल को बूस्टर भी सप्लाई किया था। तो किसी भी कंपनी के लिए एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट भी है। बट कोई भी कंपनी असलियत में क्या है और वो कंपनी कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, उसमें हिडन रिस्क क्या है, वो सब समझने के लिए हमें कंपनी के बारे में डिटेल्स एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम बिजनेस एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये भी हम देखेंगे आने वाला दिनों में एक कंपनी में जो ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी के पास है उसके बेसिस में ये कंपनी क्या आने वाला टाइम में क्या मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है और यह नहीं बन सकता है, उसके ऊपर भी हम डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। आप ज़्यादातर देखेंगे तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप से ज़्यादा मल्टीबैगर आता है, क्योंकि ये कंपनी छोटे कंपनीज होता है और अगर इनके पास ग्रो होने का स्कोप है, अगर इनके बिजनेस ग्रो होता है, इनका सेल्स ग्रो होता है और प्रॉफिट ग्रो होता है, तो ऑब्वियसली इनका शेयर प्राइस भी इंक्रीज होता है, जो इन्हें मल्टीबैगर स्टॉक बना देता है। और इसीलिए बहुत सारे लोग जब मल्टीबैगर स्टॉक को ढूंढते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में छोटे कंपनीज को ही ढूंढते हैं, जो आगे चल के लार्ज कैप कंपनी बनने का पोटेंशियल रखता है। बट छोटे कंपनीज में रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिस्क के साथ साथ रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा मिलता है। और ऐसे बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज जिसमें ग्रो होने का पोटेंशियल है और उसे ग्रो का बेसिस है एक्सप्लोसिव कैप। और इस बिजनेस सेगमेंट्स में कंपनी का अराउंड 76% रेवेन्यू आता है और इस सेगमेंट में एक कंपनी वाइड रेंज ऑफ एक्सप्लोसिव को मैन्युफैक्चरिंग करता है और जिसको माइनिंग इंडस्ट्री से लेके हाउसिंग और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी संभाल किया जाता है। और कंपनी का जो मेन बिजनेस सेगमेंट है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव का, इसका प्रेजेंस मोर देन 51 कंट्रीज में है। यानी ये कंपनी जो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव बनाता है इसको मोर देन 51 कंट्रीज में भी ज़्यादा कंट्री में सेल भी करता है। सिर्फ यही नहीं, एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री में ये कंपनी का मार्केट शेयर अराउंड 24% के आसपास है और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लीडिंग एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरर में गिना जाता है। और उसके अलावा ये कंपनी का जो नागपुर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो वर्ल्ड का ही लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कार्ट्रिज प्लांट है। और ये कंपनी अपना इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव को सेगमेंट में मेनली पैकेज एक्सप्लोसिव को मैन्युफैक्चरिंग करता है और पैकेज एक्सप्लोसिव को कुछ इस तरीके से देखते हैं। देखिए, कंपनी का जो सेल्स है 2012 में कंपनी का सेल्स कितना था, ऑनली 910 करोड़ था। अभी 2023 मार्च में कितना हो चुका है, 6923। इट मीन्स देखिए 910 करोड़ से सेल इंक्रीज होगा कितना, 6923 करोड़ हो चुका है। इट मीन्स कंपनी का जो सेल्स है देखिए लगातार ईयर टू ईयर बेसिस इंक्रीज हो रहा है। ओके, और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 171 से अभी कितना हो चुका है देखिए 1289। मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार ईयर टू ईयर बेसिस इंक्रीज कर रहा है। और नेट प्रॉफिट देखिए 101 करोड़ था कितना 2012 में, और अभी कितना हो चुका है 811। मीन्स नेट प्रॉफिट भी देखिए ईयर टू ईयर बेसिस लगातार इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कंपनी का जो सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तीनों लगातार ईयर टू ईयर बेसिस इंक्रीज कर रहे। इट मीन्स कंपनी ग्रो कर रहा है और कंपनी ग्रो करता है तो उसके बेनिफिट किसको मिलता है, शेयर होल्डर को मिलता है। ओके, अभी ये कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है, दोनों देखिए लगातार डबल डिजिट के साथ इंक्रीज हुआ। ओके, और कंपनी का जो सीएजीआर रिटर्न देखिए लास्ट 10 ईयर्स से 35% सीएजीआर हिसाब से कंपनी ग्रो कर रहा है। 5 ईयर्स में कितना 26%, 3 ईयर्स में कितना 54%, 1 ईयर में कितना 36%। ओके, अभी देखिए कंपनी का जो बैलेंस शीट है, कंपनी का रिजर्व कितना, कंपनी का 2012 में कितना रिजर्व था 387 करोड़ था, अभी कितना हो चुका है देखिए 2592 करोड़ हो चुका है। मींस कंपनी का जो रिजर्व है ये भी देखिए लगातार ईयर टू ईयर बेसिस इंक्रीज कर रहा है। ओके, और कंपनी का बोरोइंग कितना था 2012 में 296, अभी कितना 1195 करोड़। इट मींस देखिए कंपनी का रिजर्व के हिसाब से बोरोइंग बहुत कम है, इट मींस एक डेट फ्री कंपनी भी आप बोल सकते हैं। ओके, अभी देखिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, देखिए कंपनी का प्रमोटर का
का होल्डिंग 2020 सितंबर कितना था 73.15 और अभी कितना है 73.95। मीन्स कंपनी का जो प्रोमोटर का स्टेक में कोई चेंज नहीं है। इट मीन्स कंपनी का जो प्रोमोटर होता है कंपनी का ओनर, मीन्स कंपनी का मालिक है, मीन्स ओनर के कंपनी के ऊपर बिलीव है, इसलिए अपना स्टेक को कोई चेंज नहीं किया। एपआई के पास कितना 4.83 था, अभी कितना 5.79%। मीन्स एपआई के पास भी होल्डिंग इंक्रीज हुआ। डीआई के पास 17.30 था, अभी कितना 15.10। मीन्स डीआई तो अपना स्टेक डिक्रीज किया। पब्लिक के पास 4.72 था, अभी कितना है 6.07 होता है। ओके, तो फ्रेंड्स अभी हम कंपनी का थोड़ा नाम देखते हैं, कंपनी का नाम क्या है। फ्रेंड्स अब कंपनी का नाम देख सकते हैं, क्या नाम है, सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड है, जिसका करंट प्राइस 3,665 रुपीज। ओके, और इसका मार्केट कैप कितना देखिए 33,194 करोड़। इट मीन्स देखिए एक मिड कैप कैटेगरी का कंपनी है। इसका पी रेशियो कैसे देखिए 44, इंडस्ट्री पी कितना देखिए 25.9। मीन्स इंडस्ट्री पी से स्टॉक का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, मीन्स इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल 36% और रिटर्न इक्विटी 33%, मीन्स दोनों अच्छा है। ओके, और कंपनी डिविडेंड पे भी करता है, कितना 0.22% डिविडेंड पे आउट करता है। ओके, और डेट टू इक्विटी कितना 0.46%, और टोटल डेट देखिए 1,195 करोड़, और रिजर्व कितना कंपनी के पास, रिजर्व देखिए डेट के हिसाब से रिजर्व बहुत ही ज्यादा है। ओके, इट मीन्स देखिए कंपनी डेट फ्री कंपनी भी आप बोल सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो मिड कैप कैटेगरी कंपनी है, ऐसे कंपनी आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, तो फ्रेंड्स ऐसे कंपनी में आपका जो पोर्टफोलियो का साइज है मैक्सिमम 1% से 2% देखकर चल सकता है, क्योंकि ये जो मिड कैप कैटेगरी का कंपनी होता है ये थोड़ा रिस्की होता है। ओके, तो फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद भी रिसर्च करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें, और स्टॉक मार्केट में कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें। ओके, तो फ्रेंड्स ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए।